हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि अमेज़न में आपने अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो उसका रिफ़ंड कितने दिन में मिलता है। तो बहुत लोग फ्रेंड्स आधे शिपिड होने के बाद ऑर्डर कैंसिल करते हैं, और बहुत लोग फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। जिसका शिपिड हो जाता है उसका कितना टाइम लगता है, और जिसका फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही ऑर्डर कैंसिल हो जाता है उसका कितना टाइम लगता है रिफ़ंड आने में, मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों का टाइमिंग अलग है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगता है, डिफरेंस है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम जानते हैं हमारा अमेज़न कैंसिल ऑर्डर का जो रिफ़ंड है वो कितने दिन में हमें मिल जाता है, कितने टाइम में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आपने अगर क्रेडिट कार्ड से किया, या आपने डेबिट कार्ड से, या आपने फ़ोनपे, या आपने गूगल पे से यहाँ पेमेंट किया, तो सबका अलग अलग फ्रेंड्स टाइमिंग है। तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा स्टेप बाय स्टेप, आप देखते रहिए, स्किप नहीं करना। तो गाइस देखिए, अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर किया है और आपने आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, या आपने उसके शिपड होने से पहले ही कैंसिल कर दिया है, तो आपका जो रिफ़ंड है वो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है। तो 24 घंटे के अंदर कभी भी आपको मिल जाएगा, आधे घंटे, या इंस्टेंट भी आपको कभी कभार मिल जाता है, या 20 मिनट, 10 मिनट, या 5 घंटा, जैसा फ्रेंड्स वो प्रोसेस करते आपका कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है उसका प्रोसेस में चले जाता है और 24 घंटे के अंदर आ जाता है। जिसका ऑर्डर फ्रेंड्स शिपिड नहीं हुआ है उसका बोल रहा हूँ, और जिसका ऑर्डर फ्रेंड शिपिड हो चुका है उसका थोड़ा टाइम लगता है, 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगता है, कभी कभार 24 घंटे में आ जाता है आपका ऑर्डर फ्रेंड। जब तक सेलर तक का नहीं पहुँच जाता वो रिफ़ंड नहीं देते, या अमेज़न का जो डिस्पैच सेंटर है अगर वहाँ से हुआ है आपका ऑर्डर शिपिड, तो फ्रेंड्स आपका ऑर्डर 24 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर आ जाता है। दो दिन के अंदर आपका जो भी वो रिफ़ंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने बैंक से किया है तो बैंक में आएगा, आपने कोई क्रेडिट कार्ड से किया तो वहाँ आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसका ऑर्डर शिपिड नहीं हुआ है उसका 24 घंटे में आ जाएगा, जिसका हो चुका है उसका 48 घंटे, दो दिन वेट करना है, उसके अंदर आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, गूगल पे से किया है, तो आपको वहीं जहाँ से आपका आया था वहाँ रिटर्न मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो दिन के अंदर समझ लीजिए आपका कैसे भी रिफ़ंड आ जाता है। अगर नहीं आया आपका रिफ़ंड तो अमेज़न के कस्टमर केयर से आपको बात करना है, वो रिफ़ंड कर देते हैं। अगर आपका रिफ़ंड नहीं हुआ है तो फिर रिफ़ंड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम पड़ गया आपका रिफ़ंड कितने दिन में आता है।